उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री योगी ने फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर से जो भी मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएंगे। उस दौरान ये कहा भी गया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर राजनीतिक द्वेष के कारण फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। इस मुकदमा वापसी को लेकर भी उस वक्त राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाएं हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मुकदमों को वापस ले लिया था। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर भी जो मुकदमे थे वो वापस हुए, मगर 4 साल बीत जाने के बाद इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने आरटीआई के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछा कि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कितने मुकदमे वापस लिए गए हैं। एसपी कौशाम्बी कार्यालय से जो उनको जानकारी मिली है उसमें केशव प्रसाद मौर्य के 4 मुकदमे वापस लिए गए हैं, जो कि काफी गंभीर है। दरअसल नूतन ठाकुर का कहना है कि हत्या से संबंधित सरकारी कामों में बाधा डालने से लेकर धार्मिक विद्वेष फैलाना और फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी करने जैसे मुकदमों को आखिरकार कोई वापस कैसे ले सकता है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर से 4 मुकदमे वापस लिए गए हैं, हत्या से संबंधित धार्मिक विद्वेष फैलाने, ठगी एवं कूट रचित अभिलेख बनाने, दंगा बवाल और सरकारी कामों में बाधा डालने को लेकर। नूतन ठाकुर के आरटीआई के मुताबिक ये 4 मुकदमे सरकार ने केशव प्रसाद मौर्य से वापस ले लिए और इन मुकदमों पर राजनीति से ग्रसित होने की बात। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष भी सरकार से पूछ रहा है कि आखिर इतने गंभीर मुकदमे सरकार ने वापस क्यों लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुकदमा वापस लेने को लेकर अलग अलग मुद्दों पर अपने मंच से बात कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि नेता और मंत्रियों के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं कि उनके मुकदमे वापस कैसे हुए। हाल ही में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधकर ये पूछा था कि आखिर इतिहास में वो पहला मुख्यमंत्री कौन है जो अपने मुकदमे वापस ले लेता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, कम से कम ये बताएं कि कितने मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमों को वापस लिया है। क्या मुख्यमंत्री जी सदन में बताएंगे कि उन पे क्या क्या मुकदमे लगे थे और क्या क्या उन्होंने वापस लिए हैं? वहीं दूसरी तरफ सरकार के लोग लगातार सफाई देने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री बृजेश पाठक का ये कहना है कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तभी ये तय कर दिया गया था कि जो भी मुकदमा राजनीतिक द्वेष के कारण राजनेताओं पर लगा उसे हटा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में सदन में घोषणा की कि राजनीतिक दृष्टि से जो भी दर्ज मुकदमे हैं उनको हम वापस लेंगे। उसी के नीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी राजनीतिक दबाव में मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको हम वापस कर रहे हैं। इससे अदालतों पर बोझ भी कम होगा और लोग जो निर्दोष हैं उनको अनावश्यक प्रताड़ना से भी बचाया जा सकेगा। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने सर्कल इस आरटीआई के जरिए खुलासा किया है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य के जो मुकदमे हैं हत्या जैसे मुकदमे वापस लिए गए। दरअसल आप जानते हैं, हमने पहले ही आपको कहा है कि राजनीतिक दृष्टि से जो भी दर्ज मुकदमे उनको हम वापस लें। एसपी कौशाम्बी कार्यालय द्वारा मुझे आरटीआई में दी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के विरुद्ध कौशाम्बी जिले में दर्ज 4 आपराधिक मुकदमे वापस लिए हैं। इन 4 मुकदमों में से 1 मुकदमा धार्मिक विद्वेष फैलाने का, 1 ठगी एवं कूट रचित अभिलेख बनाने का, 1 दंगा बलवा व सरकारी काम में बाधा डालने का व 1 मुकदमा हत्या के आरोपों से संबंधित है। इतने गंभीर मामलों में सरकार द्वारा मुकदमा वापस लिया जाना अत्यंत ही चिंता का विषय है। वहीं दूसरी तरफ आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर भी गंभीर उठे हैं। उनका ये कहना है कि इस तरीके से गंभीर मुकदमे अगर सरकार वापस करती है तो ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है और इस पर सरकार को जरूर सोचना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।